देखिए बिलीफ तो पहले ही था, जब सिलेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि कुछ तो है तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ टीम में। और पहले दो मैच के बाद थोड़ा प्रेशर था, खुद से थोड़ा अंडर प्रेशर था कि यार क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया। और उसके जब दो तीन मैच मुझे लगा अभी चांस मुझे शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, पर मुझे बैक किया टीम मैनेजमेंट ने, कोचिस ने, सब ने, और सब ने, कैप्टन वगैरह सब ने बात किया तो वगैरह ने कि थोड़ा अलग लेवल है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच था तो मुझे लगा कि बड़ा टीम है, थोड़ा कुछ अच्छा करना चाहिए, भी ख़राब हो ही गया तो पूरा एक बार जो भी है वो करना ट्राई करना चाहिए। तो उसके हिसाब से थोड़ा फोकस था ज़्यादा थोड़ा बॉलिंग पे काम किया और वो प्लान के हिसाब से बॉलिंग किया, तो उसके बाद लगा कि हाँ मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ। सिमरजीत और हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी है स्टार्टिंग से, जब सूरत में कैंप था अपना तो उसके बाद भी हम बातें करते थे ऐसा ये वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, और मज़ा आता है पाजी के साथ बात करके। और बॉलिंग भी हम दोनों एक साथ मैच खेल रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि जो भी होगा देखेंगे, पर अपना 100% देना है और अच्छा बॉलिंग डालना है। और कैप्टन ने भी यही बोला था कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो और तुम एफर्ट दो तो अच्छा लगेगा, तो उसके हिसाब से हमने बॉलिंग किया दोनों। नहीं वो ही बोले कि पहला कैच छूटने के बाद कि ठीक है एक बार छूट गया, अभी आगे जो आएगा उस पर ध्यान दे, और उसके बाद एक और मेरे से कैच छूट गया तो काफ़ी प्रेशर था क्योंकि मैच बहुत क्लोज चल रहा था और हम पहले 3 मैच हार चुके थे तो टीम पे भी प्रेशर था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ठीक है जो हो गया हो गया, क्रिकेट है, छूटता रहता है, पर आगे अच्छा कर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अच्छा फील्डर हूँ और ऐसा कभी कभी हो जाता है प्रेशर में कि छूट जाता है कैचेस वगैरह, तो उसके बाद फील्डिंग का प्रैक्टिस वगैरह सब चलता रहता है पर कभी कभी हो जाता है। सबका ही डेवलप, सबका योगदान रहा है, सभी अच्छे लोग हैं। एरिक के साथ मैंने सीम पे बहुत काम किया, बाला सर ने बताया कि ऐसे विकेट पे क्या बॉलिंग डालना है, क्या करना है, बाकी राजू सर, माइक हसी सब ने अच्छा बताया कि कैसा माइंड सेट रखना है, कैसा फो ये लेंथ वेरी करना बैट्समैन के हिसाब से, और बहुत सारी बातें की सबसे, तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ टीम के लिए तो जैसा हमने टीम ने सोचा था वैसा परफॉर्म नहीं किया है, काफ़ी ख़राब मैचेस और इजी मैचेस हार गए हम लोग, थोड़ा एफर्ट्स और अच्छा कर सकते थे हम लोग ओवरऑल, और यही है कि अगले साल अच्छा करेंगे और जीतेंगे।